जो पहले दिन आपने सुना कि जो बॉर्डर पर इंडियन बच्चों को मारा गया वो यूक्रेनियन आर्मी नहीं थी, वो रशियन आर्मी थी। रूस अते यूक्रेन की जंग शुरू हुई नूं हुण एक हफ्ते तो ज़्यादा का समा हो चुका है, जिसकी वजह दे नाल यूक्रेन दे विच वड्डी गिणती दे विच भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने। भारत सरकार वालों यूक्रेन फसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए लगातार कोशिशां भी कीतियां जा रही ने। इसे कड़ी तहत बीती रात भारतीय विद्यार्थियों का एक ग्रुप अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिथे विद्यार्थियों के रिश्तेदार ने ढोल बजा के उन्हों का भारत पहुंचने पर शानदार स्वागत किया। यूक्रेन तो वापस आई एक विद्यार्थन सुनंदा ने गलबात करते हुए दस्या कि वह पिछले साल सितंबर के यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गई सी, पर हुण जंग की वजह के नाल यूक्रेन के ज़्यादातर हिस्से के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह के नाल उत्थे फसे विद्यार्थियों के दिलों के विच डर का माहौल बनिया होया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जल्दी तो जल्दी भारतीयों को यूक्रेन तो वापस लियाउण दे लई कोई ठोस उपराले करने चाहिए ने। मेरा नाम सुगंधा है, मैं लिविव में पढ़ रही हूँ यूक्रेन में। मैं सितंबर में गई थी लास्ट ईयर। हालात तो ठीक है, बट अभी मेरे एरिया में ठीक थे, बट बहुत दूरों पे बहुत खराब हालात हैं, तो हमें फिर आना पड़ा क्योंकि हालात का पता नहीं है कब खराब हो जाए मेरे एरिया में। सरकार की तरफ से हेल्प हुई पोलैंड का? बेटा खार्किव से कब निकले थे? मैं लविव से हूँ, मैं खार्किव से। अच्छा, लविव से। आप लविव से कब निकले? मैं फर्स्ट को निकली थी लविव। और क्या क्या मुश्किल आई है आपको रास्ते में जब आप निकले हो? मुझे नहीं आई क्योंकि मैंने इजीली बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, मुझे बहुत बच्चों को आई। कैसी मुश्किलों को आपने फेस किया वहाँ? मुझे ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई, बस ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वॉर के टाइम ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है इसीलिए। अभी आपके कितने फ्रेंड्स वहाँ पे हैं या दोस्त आपके? अपने दोस्त वापस आ चुके हैं। कितने ज़्यादा हैं? लगभग सारे ही वापस आ गए हैं अभी, उनकी कल की आज की फ्लाइट है तो वो कल दिन तक पहुंच जाएंगे। कई बच्चों की वीडियो वायरल है जो बोले कि खाना नहीं मिल रहा है वहाँ पे, वो दूसरे बॉर्डर्स की बात है। मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। उधर दूसरे पासे यूक्रेन तो वापस आई एक होर विद्यार्थन ने गलबात करते हुए दस्या कि भारतीय लोगों नूं जिहड़ी यूक्रेन दे बार्डर ते कुटमार करन दी वीडियो सोशल मीडिया ते तेजी दे नाल वायरल होई सी, ओह कुटमार यूक्रेन दे फौज ने नहीं बल्कि रूस दी फौज द्वारा कीती गई सी। उन्हां कहा कि यूक्रेन दे विच उन्हां नूं खाण पीण दे लई काफी मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा है। उन्हां भारत सरकार नूं अपील कीती कि यूक्रेन फसे भारतीयां नूं जल्दी तो जल्दी सुरक्षित भारत वापस लिआंदा जावे। कुछ नहीं है इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं है कि पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ, वो जो पहले दिन आपने सुना कि जो बॉर्डर पर इंडियन बच्चों को मारा गया वो यूक्रेनियन आर्मी नहीं थी, वो रशियन आर्मी थी, वो यूक्रेनियन नहीं थे वो लोग। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरा सपना पूरा गीत गाया गया सी, हम हो गए कामयाब। मैं आज कामयाब हो गई, मैं आज कामयाब हो गई। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कर रही है जो मेरी जगह खार्किव है वहाँ पे थोड़े से अभी है, बट काफी लोगों को, काफी बच्चों को निकाल दिया। कैसे हालात को आपने फेस किया वहाँ पे? हालात कैसे? हालात तो जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को डरना नहीं सिखाया है, और मैं बिना डरे सबका सामना किया। मैंने सब वो बम जो है मैंने अपने कानों से सुन के फिर भी आगे चली। मैं मेट्रो में खाना बना के लेके जाती थी, सबको खिलाती थी, खुद खाना बना के लेके जाती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को डरना नहीं सिखाया, इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा के कारण जीता हूँ। आप लोगों के कारण। I'm proud.
टू बी एन इंडियन। वहाँ पे वो जो बच्चे हैं जो बच्चे आए वहाँ पे, तीन बच्चे थोड़े बीमार हो गए थे उसके कारण भी होगी, उनको हार्ट अटैक भी आ गया उसके कारण भी होगी। एक बच्चे को मिसाइल लगी क्योंकि वो खाने की लाइन में लगा हुआ था और बाहर से उसको मतलब उसको मारा। जिथे एक पासे काफी भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन तो सुरक्षित भारत वापस आ गए ने, उथे दूसरे पासे हाले भी यूक्रेन दे विच वड्डी गिणती दे विच विद्यार्थी फसे हुए ने, जिन्हां दे भारत रहिंदे रिश्तेदार काफी चिंता दे विच ने। यूक्रेन तो वापस आए विद्यार्थी भी सरकार तो लगातार उथे फसे भारतीयों नूं बचाउण दे लई कोई ठोस उपराले करन दी अपील कर रहे ने। हुण देखना होवेगा कि भारत सरकार कदों तक यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों नूं सही सलामत अपने देश दे विच लियाउण दे विच कामयाब हुंदी ए। अमृतसर तो गुरप्रीत राजपूत, पंजाबी लोक चैनल।